क्योंकि निजीकरण में इसलिए ध्यान दिया जा रहा है कि आप लोग भी जानते हैं कि 1 साल से कोरोना वैश्विक महामारी से प्रत्येक घर में जो कारोबारी है वो बंद हो गया था और देश के आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गया है। इसका ख्याल रखते हुए देश के प्रधान सेवक ने यह निर्णय लिया है। इसीलिए 2021-22 की बजट में ये सभी लोग का ख्याल रखा गया है। प्रिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्या उद्देश्य है? खगड़िया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उद्देश्य यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। और प्रत्येक जिला में जो बजट आया है प्रत्येक जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं जनता के बताने के ख्याल से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। क्योंकि हमारे प्रधान सेवक जो बजट लाए हैं 21 और 22 को, 21 और 22 का जो बजट आया है आम जनता गांव गरीब किसान बुजुर्ग युवाओं और कारोबारी को भी जानकारी हो कि यह बजट हम लोग के लिए आया है। इसलिए यह खगड़िया में हम लोग पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते मुझे पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने इसे खगड़िया जिला में भेजे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपने खगड़िया की जनता को बताने के लिए आए हैं कि केंद्र सरकार की बजट में सभी आवाम के लिए यह बजट है। मैं इसीलिए खगड़िया की जनता के तरफ से अपने कार्यकर्ता के तरफ से अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष के तरफ से मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पेट्रोल सौ और रुपये वित्त मंत्री सीतारमन जी को। पेट्रोल 100 रुपये हो गया, जो गैस का सिलेंडर का दाम है वो कहाँ चला गया? वहाँ भी घरेलू महिलाएं हैं। देखिए जो चीज कुछ चीज बड़ा होता है आप लोग भी जानते हैं कि पहले लोग पेंसिल से लिखता था, अब मोबाइल और कंप्यूटर का जमाना हो गया। पहले आप डिबिया जलाते थे अब बिजली पर काम होता है। तो सब सारे चीज में डेवलप हुआ है तो स्वाभाविक है। क्योंकि बजट पर मैं बोलने के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हूँ, बजट के बारे में कुछ पूछेंगे तो भैया मैं जवाब दूंगा। जब हमारी सरकार 2014 से लेकर अभी 21 चल रहा है, 6 साल की अवधि में महिला सशक्तिकरण पर फोकस हमारी सरकार की है, कैसे हमारी महिलाएं बहन स्वावलंबी बने, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से डायरेक्ट खाता खुलवाती है बैंक में, और आत्मनिर्भर भारत कैसे बने उस पर हमारी बहन काम कर रही है। आज आप सभी लोग जानते हैं जन धन योजना के माध्यम से मैक्सिमम गरीब के खाता में डायरेक्ट पैसा गया है। आज आप लोग भी महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना 8 करोड़ जनता इससे लाभ पहुंचाया गया है सरकार के द्वारा। लक्ष्य है 9 करोड़ का, अभी 8 करोड़ तक हमारा देश के प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला गैस पहुंचाने का काम किया है। और स्वास्थ्य कोरोना ऐसा वैश्विक महामारी में जो देश के एक प्रधानमंत्री नहीं एक प्रधान सेवक के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, मैं नाम न लूंगी। विरोधी कह रहा था तो ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन काम नहीं होगा। लेकिन हम लोग गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर कि उन्होंने दो दो टीका यहाँ लाने का काम किया। खगड़िया शहर का एकमात्र डायमंड शोरूम, इकलौता शोरूम है, इसकी हमारी कोई भी दूसरी शाखा नहीं है।
मेन रोड भारत वस्त्रालय के नज़दीक।